जो निर्णय सरकार ने लिया 27% रिजर्वेशन देने का ओबीसी को, उसके लिए इन सबों को मैं धन्यवाद दूंगा अपनी। रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है, सत्ता में ही की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने 27% रिजर्वेशन देने की बात कही। वर्तमान सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी और तमाम मंत्रिमंडल के जो हमारे मंत्री हैं इस राज्य के, उनके ये पे ओबीसी समाज को 27% आरक्षण की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। नमस्कार, डीएसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी डाल। पिछले दिनों हेमंत कैबिनेट ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, उनमें से एक ओबीसी को 27% आरक्षण की भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ओबीसी समाज में खुशी की लहर। और आज इसी को लेकर ओबीसी उत्थान समिति की तरफ से राज्य सरकार को धन्यवाद के लिए आभार सम्मेलन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शामिल हुए। ओबीसी उत्थान समाज समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता, लालकिशोरनाथ सहदेव और संयोजक आलोक दुबे भी शामिल हुए। बहरहाल, इस आभार सम्मेलन में पहुंचे डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने क्या कुछ कहा ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने पर? देखिए, पहले तो मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, हेमंत जी की ओर से, मैं इन भाइयों को जो यहाँ उपस्थित हुए और जो उद्गार इन्होंने प्रकट किया सरकार के पक्ष में, जो निर्णय सरकार ने लिया 27% रिजर्वेशन देने का ओबीसी को, उसके लिए इन सबों को मैं धन्यवाद दूंगा अपनी ओर से। मैंने अपने भाषण के क्रम में कहा कि रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है, सत्ता में हिस्सेदारी है, व्यवस्था संविधान में है और कोई नई चीज़ नहीं है। पूरे दुनिया में व्यवस्था है, अमेरिका में इसको अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है, वहाँ भी रिजर्वेशन है, सब जगह है, पाकिस्तान में भी। तो यहाँ संविधान बनाते वक्त में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, 27% ओबीसी का रिजर्वेशन दिया गया देश भर में 90 के दशक में। हम याद करेंगे बीपी मंडल जी को और केसरी जी को, जो उस समय मंत्री थे, बाद में कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मुहर लगाई 27% में और पूरे देश में लागू हुआ, बिहार में भी लागू हुआ, लेकिन झारखंड बनने के बाद इस संख्या को घटा दिया गया। जबकि झारखंड में ओबीसी की संख्या 50 से ऊपर, कमीशन के अनुसार 52% कम से कम है, तो 14% जो है नाकाफी। तो जो मैं अध्यक्ष बना 2019 में, तो मैंने शुरू किया कि नहीं, ये रिजर्वेशन कम है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी, अलायंस की पार्टी जब, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी, तो हम 27% यहाँ भी देंगे। ये घोषणा पत्र कांग्रेस में है और फिर जेएमएम में भी है, दोनों में है, 27% की बात दोनों में की गई। और अंततः मुझे खुशी हुई हो रही है कि सरकार ने, वर्तमान सरकार ने 27% रिजर्वेशन देने की बात कही, विधानसभा में पारित हो जाएगा, बहुमत हमारा है, कोई दिक्कत है नहीं। इसके साथ ही हम बात करेंगे ओबीसी उत्थान समाज समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी से भी। तौर पे राज्य बनने के बाद जिस प्रकार ओबीसी पिछड़ी समाज को पिछली सरकार ने उनके अधिकार से वंचित रखा, 16.5 वर्षों तक एक लंबा समय उनके उनको अधिकार नहीं दिया गया। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को कहा था कि सरकार बनने के बाद इस समाज को सम्मान मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा। तो निश्चित तौर पर अपने वायदा के अनुसार वर्तमान सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी और तमाम मंत्रिमंडल के जो हमारे मंत्री हैं इस राज्य के, उनके ये पे ओबीसी समाज को 27% आरक्षण की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। निश्चित तौर पर अब सामने आएगी सत्र पे, सदन में कैसे पास किया जाए, और ये मार्ग अब बन चुका है। जैसा माननीय मंत्री ने भी कहा और सब लोग जानते हैं, किसी भी समाज जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो राजनीतिक रूप से कमज़ोर है, जो सामाजिक रूप से परिपूर्ण होते हुए भी उनको उनका अधिकार नहीं मिलना, उसकी मजबूती का कारण नहीं हो सकता था।
तो आज पूरे राज्य के पिछड़े जातियों में खुशी का माहौल है कि अब उनके बच्चे को अच्छे शिक्षण संस्थान में भी नामांकन होगा और जो बच्चा शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पर रोजगार में भी उनको उनका अधिकार प्राप्त होगा। तो ये एक अच्छा माहौल है और हम लोगों ने सरकार के लिए आभार सम्मेलन रखा था। राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी, तमाम बिन्ना गुप्ता जी, आलमगीर आलम जी, मिथिलेश ठाकुर जी, चंपई सोरेन जी, तमाम मंत्रियों के लिए एक आभार सम्मेलन के मार्फत उनको धन्यवाद हम लोग देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।